फीचर फिल्म पर चर्चा करते रहे, तो यहाँ क्या करा, जाओ जाके फिल्म बनाओ। बहुत अच्छा था वो, देखते हैं कुछ करते हैं नया। अरे बैग भी है बहुत अच्छा। अरे यार अभी माइक लगाने की जरूरत है तुमको। पटेल साहब देख लेना, ऑडियो में प्रॉब्लम अभी लगाए भाई। चलो तो करते हैं अभी, अदृश्य को लेकर बढ़ते हैं आगे। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अदृश्य से सदृश्य में। बॉलीवुड में पहली बार एक ऐसी फिल्म का निर्माण हुआ है जिसकी कल्पना हमने तो नहीं की थी, क्योंकि फिल्म का नाम है अदृश्य और उसके साथ साथ उसका पूरा उपन्यास आया है। कहीं ना कहीं से साहित्य की दुनिया में एक नई हलचल हुई है और आज हमारे साथ हैं विवेक अग्रवाल और अलका अग्रवाल सिगतिया। विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब अलका जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अरे विवेक जी, अलका जी आप लोग नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? प्लीज अदृश्य मत रहिए, सदृश्य हो जाइए ताकि हमारे दर्शक आपको देख पाए। आप नजर नहीं आ रहे हैं अब तक। हम तो दिख रहे हैं। हम आपको देख पा रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं आप लोग, पर हमें तो आप लोग सब दिखाई दे रहे हैं, यही तो मजा है। ये अदृश्य है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये अदृश्य है, लेकिन आपकी जो चाहत है उसको हम पूरी करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अदृश्य मत रहिए, सदृश्य हो जाइए। आपकी दुविधा दूर कर देते हैं, लीजिए हम सदृश्य हुए जाते हैं। थैंक्स गॉड आप लोग नजर तो आए। ये अदृश्य है क्या, क्यों आप लोग अदृश्य हो गए? लेकिन अगर हम फिल्म की बात करें विवेक जी, तो फिल्म के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि उपन्यास आप लोगों ने लिखा, पूरा मामला क्या है बताइए। दरअसल ऐसा है कि ये जो किताब मेरे हाथों में इस वक्त है, ये अदृश्य का कवर जरूर है, लेकिन अदृश्य जो है ये फिल्म का पोस्टर है। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है, उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, और इस कहानी में ये बच्चा, इसके माता पिता, इसकी छोटी बहन और इसके चाचा चाची, ये एक छोटा सा परिवार है जिसकी पूरी कहानी है। आमतौर पर आपने ये तो बहुत देखा होगा कि उपन्यासों पर, कहानियों पर फिल्में बनती हैं, लेकिन पहले किसी ने एक छोटी सी कहानी सोची, एक वन लाइनर सोचा, फिर उसके बाद में उसका स्क्रीन प्ले बना, फिर बाद में उसमें संवाद भरे गए, और ये पूरी जब एक पटकथा तैयार हो गई तब उस पर एक उपन्यास लिखने की जो योजना थी उसने मूर्त रूप लेना शुरू किया। तो ये तो उल्टे पास बरेली जाने वाला कार्यक्रम हुआ है, और इसका एक जो बहुत ही सकारात्मक पक्ष है या पहलू है वो ये भी हम देख सकते हैं कि जो बहुत ही सफल फिल्में हैं, जिन जो लोगों तक पहुंचती हैं, लोग देखते हैं, लेकिन उसके अन्य पक्ष या उसकी और भी बहुत सारी जो अंडरबिनिथ डिटेल्स होती हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो ऑडियो विजुअल के बदले में प्रिंट मीडियम के जरिए बहुत आसानी से पहुंच सकती हैं। और ये जो चीज़ है ये इस किताब के ज़रिए करने की हम लोगों ने कोशिश की है, और उसमें हम कितना सफल हुए हैं, कितना असफल हुए हैं, ये तो हमारे पाठक बताएंगे, ये हमारी फिल्म के दर्शक बताएंगे, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर की है कि अलका जी और हमने मिल करके एक नई धारा बहाने का प्रयास किया है। और आपने भी शायद ये जो अदृश्य है वो पुस्तक पढ़ी है, बहुत रोमांचक है और प्रेरित करती है कहीं ना कहीं से कि भाई आप उठ के मत जाइए कहीं, दिलचस्पी तो है ही। लेकिन अलका जी अगर आपकी बात करें तो जब पहली बार इसका इसकी योजना बनी तब किस तरह की तैयारी की आप लोगों ने? देखिए दरअसल 2 साल पहले की बात होगी जब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप चैटर्जी, उनका फ़ोन आया कि उनके पास एक फिल्म की कहानी है, और क्योंकि वो लेखक नहीं है तो वो चाहते हैं कि लिखवाएं हमसे कहानी, मतलब उसको स्क्रीन प्ले को डेवलप करवाएं। हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, और मैंने हमेशा, क्योंकि परसाई जी का भी आज उनका निर्वाण दिवस है और मैं परसाई जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो परसाई जी ने भी हमेशा लिखा कि बदलाव के लिए लिखा जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोई दावा नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे लेखन से समाज में कहीं कुछ तो बदले या एक अच्छा संदेश जाए। जब मैंने कहानी सुनी मुझे लगा कि जो आज हम एकल परिवार की, जो हमारे न्यूक्लियर फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके ज़रिए हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं। और उन्होंने, संदीप ने ये भी कहा था कि देखिए मैं, क्योंकि छोटे बजट की मूवी है, आप लोग का रेमुनरेशन पता नहीं मैं अफोर्ड कर सकूँ या नहीं कर सकूँ। मैंने कहा वो बहुत हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, जितना देंगे ठीक है, हम ये कहानी कर रहे हैं। मैंने विवेक जी से चर्चा की और फिर ये होता था कि हम लोग ने तीनों ने बैठ करके इसको और पूरी तरह से किया और बहुत मज़ा आया इसको लिख। विवेक जी ने कहा कि क्यों ना हम इसको साहित्य के रूप में भी लाएं, और उन्होंने तुरंत इसके लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी। और ये सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के अंदर फिल्म बनकर रिलीज़ हो गई,
और फिल्म रिलीज होने के पहले 29 तारीख को ये जो आप आए भी थे उसके साक्षी बने हैं कि हमारी बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। बुक लॉन्चिंग पर जो माहौल था उसकी तो कल्पना हम कर ही रहे हैं, देख भी रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर। लेकिन विवेक जी, जब बड़े बड़े लोग आते हैं तो एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है। अलका अचला जी आई थी, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे साहित्य जगत की, बहुत सारे, उनके लिए भी एक बहुत नई बात थी। ये निश्चित तौर पर है, जिम्मेदारी तो देखिए सबसे बड़ी जो होती है वो पाठकों और दर्शकों के प्रति होती है। एक लेखक के लिए पाठक सर्वोपरि और एक फिल्म मेकर के लिए उसका दर्शक सर्वोपरि। जो बड़ी हस्तियां हैं उन लोगों के लिए तो सिर्फ इतनी जिम्मेदारी बनती है कि उनको बहुत सम्मान से, आदर से लाया जाए और उनको उतने ही आदर और सम्मान से रुखसत कर दिया जाए। लेकिन जो दर्शक आपकी किताब, कमलेश पांडे जी का एक संवाद याद है मुझे कि काश मैं ये समझ पाता कर पाता, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप दोनों के लिए निश्चित तौर पे। क्योंकि कोई इतने पुराने वक्त तक, इतने समय से, लंबे समय से लेखन में हो, फिल्म इंडस्ट्री में इतने समय से लेखन में हो, और वो अदृश्य को देखने के बाद में, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद में वहाँ पर ये बात अगर कह देता है कि मैं पीछे रह गया, अलका और विवेक आगे निकल गए, तो ये उनका बड़प्पन है। हम लोग तो अभी शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से, तो हमारे लिए ये वाकई बहुत बड़ी बात है और समाज में इससे एक सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक संदेश जाता है कि हमारे यहाँ का जो बुद्धिजीवी है, जो बहुत लिखने पढ़ने में और बाकी सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता है, वो अपने आने वाली पौध को, अपनी पीढ़ी को शाबाशी दे रहा है और वो चाह रहा है कि इस तरह के नए प्रयोग और हों। अच्छा, आपको लगता है कि अदृश्य की जो यात्रा शुरू हुई है, आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे तो करेंगे आप लोग, क्या कहते हैं अलका जी? बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने भी पढ़ा और हरी मृदुल जी इस पर, उन्होंने इस पर समीक्षा की थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप जैसे ही उसका पहला पृष्ठ खोलते हैं, वो दस्तक दे देती है ये पुस्तक कि साहित्यिक है। तो हमने कहीं ये नहीं किया है, देखिए एडेप्टेशन होता है जब हम एक साहित्य का, एक ऑडियो विजुअल मीडिया में जब हम उसको वो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। तो हमने अडेप्ट किया है ऑडियो विजुअल को साहित्य के रूप में, और वो आसान नहीं था। मतलब बहुत बार हम लोग को ये लगने लगे था कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, क्योंकि ये एक हॉरर मिस्ट्री है और इसमें कई जगह क्या है, एकदम से डायरेक्टर को दिखाना है कि वो बच्चा है कहीं, वो बच्ची है कहीं, वो मतलब सीन्स जो थे। लेकिन जब हम लिखने के लिए बैठे तो हमको ये लगने लगा कि यदि हम इसको एज इट इज रखेंगे तो जो हमारा पाठक है वो हमेशा मानने को। अरे सबसे अच्छा तो मुझे तब लगा, बिल्कुल मैं चौंक गया पढ़ते पढ़ते, कि जब एक नन्हा मेहमान आने वाला होता है और उसकी जानकारी सबको होती है, उस बच्चे को नहीं होती है, तो वो जो उसको जो आपने लिखा और फिल्म में जो हुआ उसमें कुछ अलग अलग अलगपन भी लगा आपको? नहीं, देखिए उसमें दरअसल ये है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो माँ बाप हैं उनको बच्चे को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ ने कहा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हमको कई बार लगता है बच्चा है क्या समझेगा, लेकिन वो इतना नहीं। मेरा सवाल अलका जी कि कई बार जब आप लिखती हैं, जो कॉन्सेप्ट दिमाग में चलता है वो पर्दे पर भी लगता है कि वाकई मैच हो रहा है? मैंने मूवी देखी है, मैं वही बात बता रही थी आपको कि इसमें हमने एक सीन क्रिएट किया था, एक पार्टी सीन था जिसमें वो सेलिब्रेट करते हैं कि उनके यहाँ जो न्यू बेबी बॉर्न होने वाली है उसका सेलिब्रेशन होता है, और वो जो ध्रुव होता है वो कहीं से आ रहा होता है, वो अपने मम्मी पापा से कोई बात शेयर करने वाला था, उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके पेरेंट्स ने एक पार्टी थ्रो की है इस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। और जब वो आता है वो अपनी बात कहना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स पार्टी में बिजी हैं, और वो वहाँ पर वो एक आंटी जब उसको बताती है कि ध्रुव यू शुड बी हैप्पी, आपकी छोटी बेबी, आपके घर छोटा बेबी आने वाला है, तो बहुत बहुत अलग तरह से रिएक्ट करता है, उसे बहुत दुख होता है। और शायद ये रियलाइज़ करते हैं उसके पेरेंट्स की, पेरेंट्स करते हैं नहीं कि दूसरे रियलाइज़ कराते हैं कि आपको ये बात बतानी चाहिए थी। हालांकि फिल्म में उन्होंने क्या किया है कि उसको शुरू में सेगमेंट्स में दे दिया है, जितना हमने पूरा सीन क्रिएट किया है फिल्म, क्योंकि देखिए अपनी सीमा है, अगर वो पूरी बात कहने लगेंगे तो पता नहीं 4 घंटे की फिल्म। अक्सर ऐसा होता है कि जो राइटर के दिमाग में जो बात चलती है कई बार डायरेक्टर तक वो बात पहुंच नहीं पाती, आप समझाते हैं फिर भी वो फीलिंग नहीं आ पाती है। इस फिल्म में आपको लगा ऐसा कभी कुछ? देखिए एक सबसे बड़ा फर्क जो है वो हमें समझना पड़ेगा, एक राइट छपे हुए शब्दों का जो ऑडियो विजुअल माध्यम है उसका, और ऑडियो विजुअल माध्यम में दो अलग अलग माध्यम है, एक फिल्म है और एक टेलीविजन है। फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है और फिल्म सिर्फ दो ही कन्विक्शन से बनती है, एक राइटर का कन्विक्शन और दूसरा डायरेक्टर का कन्विक्शन।
बहुत कम ही डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि राइटर के कन्विक्शन पे जाते हैं और फिल्म वैसे बनती है। आमतौर पर यही होता है कि डायरेक्टर जो है वो अपने कन्विक्शन पे ही फिल्म बनाता है, और टेलीविज़न जो है उसमें समय नहीं होता। तो जो राइटर ने लिख करके उसे स्क्रिप्ट दी है उसे एज इट इज़ हाथ के हाथ फटाफट छापो 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 भेजो, तो उनके पास समय नहीं है। तो वो समय सीमा के कारण टीवी जो है वो फास्ट मूव में ऑपरेट करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ अब देखने जाएंगे तो फिल्म के पास में समय है, धन है, काम करने के लिए वक्त है। वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से एक ही सीन के 5 डिफरेंट एंगल से भी शूट कर सकते हैं, तो वो अपने तरीके से उसमें फेरबदल करते हैं और उसके बाद में एडिटिंग टेबल पर भी वो लोग बहुत काफ़ी काम कर पाते हैं। तो जब फिल्म लिखी और जो फिल्म हमने देखी उसके बीच में फ़र्क आना लाजमी है, निश्चित है और ये होता है। मेरा ख्याल है कि किसी भी लेखक को जो कि फिल्म लिखता है तो फिल्म रचने वाले को कभी भी इस चीज़ से नाराज नहीं होना चाहिए या परेशान नहीं होना चाहिए कि उसका लिखा हुआ क्यों कट गया, क्योंकि उसकी अपनी परिभाषा है, उसका अपना व्याकरण है, उसकी अपनी सीमित संसाधन साधन है, उनके बीच में ही डायरेक्टर को फिल्म। यहाँ डायरेक्टर को एक आज़ादी और होती है, जैसा मुझे लगता है कि जैसे आप टाइप करते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं या फिर कलम से लिखते हैं तो एक समय में एक ही कलम चलती है, लेकिन एक शॉट को डायरेक्टर 5 कैमरे से यानी 5 कलम इस्तेमाल कर रहा है, इसकी तो बात माननी पड़ेगी आपको। वो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद अब अगर 5 कैमरे आपने इस्तेमाल किए हैं और आपने जब एडिटिंग टेबल पर जाकर देखा कि वो जो मैं शूट जिस तरह से कर रहा था वो तो मुझे प्रॉपर मिला ही नहीं। नहीं, आपके पास 2 हाथ है, लेकिन सवाल ही नहीं कि आप दोनों हाथ से एक साथ लिख पाए। उसमें ये होता है कि उस समय एक सीन में अगर मान लीजिए 10 लोग हैं तो डायरेक्टर के लिए एक यहाँ पर चुनौती होती है कि वो 10 लोगों के जो एक्सप्रेशन हैं उसको एक साथ दिखा सके। और जैसे ये विवेक जी ने जो बताया कि क्योंकि दोनों माध्यम की अपनी अपनी सीमाएं हैं, कई बार हम लिख देते हैं कि ऐसा उसने कहा बहुत होता है, लेकिन उसको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो पार्टी वाले सीन का जो मैं जिक्र कर रही थी वो पार्टी सीन शूट हुआ था लेकिन लंबाई फिल्म की बढ़ रही थी तो उसे काटना पड़ा। इनकी बात पर कि आमिर खान साहब अभी SWA में आए थे, और कई बार ये होता है कि राइटर जो देता है उसे पूरा बदल दिया जाता है। आमिर खान बैठते हैं साथ में, किसी एक लेखिका ने पूछा कि मेरी कहानी में काट पीट कर रहे हैं दू कि नहीं, उनने बोला आपके ऊपर है, देखे अगर आपने अभी तक काम नहीं किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए तो एक बार आप समझौता कर लीजिए, उसके बाद आप उस लेवल पर पोजीशन पे आ जाते हैं कि आप बाद में अपनी चीज़ों को मनवा सकते हैं कि ये मेरा कन्विक्शन है फिल्म इस तरह से। देखिए एज इट इज़ तो नहीं बना सकता डायरेक्टर, वो गलत करेगा लेखक अगर ये कहे कि मेरे कन्विक्शन के हिसाब से बनाओ। अगर बहुत कठिन सवाल पूछ रहा हूँ विवेक जी, अगर इसके डायरेक्टर आप होते तो कुछ तस्वीर बदलती? निश्चित तौर पर तस्वीर बदलती, मैं ही क्यों, अगर आप भी होते तो भी तस्वीर बदलती, अगर सिर्फ अलका जी करती तो भी बदलती, और हम दोनों मिल करके करते तो और ज्यादा बदलती। बिल्कुल, क्योंकि फिर वहां पर 2 शैतानी दिमाग झगड़ा करते हैं तो जैसे किताब लिखने में झगड़े हुए हैं या स्क्रीन पे डायलॉग करने में झगड़े हुए हैं, तो वो होता ही है। और देखिए, एक इंसान अगर एक बार मोनालिसा बना लेता है तो दूसरा इंसान या वो स्वयं भी वो दूसरी मोनालिसा नहीं बना पाता। आज तक मुगले आजम दूसरी नहीं बन पाई, आज तक शोले दूसरी नहीं बन पाई, क्योंकि हर कृति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और जो उसको उस कृति का गढ़ने वाला होता है, जो कृतिकार होता है, वो स्वयं भी चाहे तो वही वैसी ही दूसरी कृति कभी नहीं बना पाता, या तो उससे अच्छी बनती है या बुरी बनती है। बिल्कुल, अदृश्य जो है अब सदृश्य है, लोग थिएटर में देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि फिल्म में जान है क्योंकि नयापन तो है ही। निश्चित रूप से अब आप दोनों को बधाई देने का इसलिए भी मन कर रहा है कि आपने एक नया प्रयोग किया है। चलते चलते ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आगामी योजनाएं क्या हैं आपकी। अलका जी बेहतर बताएंगी। आगामी जैसे अभी मैं वो पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रही हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे हाथ में। और उसके पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि कई लोगों को ये तकलीफ होती है कि हम साथ में क्यों लिखते हैं, लेकिन मतलब मेरे मुझे क्या है ठोक बजा उस बात की तकलीफ आपको भी हुई? हाँ, उनको तकलीफ क्यों है लोग नहीं, मैं एंजॉय करती हूँ क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है ना तो अच्छा है एंजॉय करना। इसका मतलब समझ रही हैं आप? हाँ, ये बहुत ही अच्छा संकेत है, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा इसके आप इसको पता है कि इसके आने के पहले, रिलीज के पहले इसकी चर्चा हो गई और लोग इसमें मतलब एक आध दुक्का एक दो लोग कि क्या ये कोई साहित्य विधा है। हरी जी ने कहा जब 2 लोगों के निजी
व्यक्तिगत पत्र से साहित्य हो सकते हैं, तो ये तो साहित्य है ऑलरेडी। तो खैर अब दर्शकों को पता चल गया है कि फिल्म क्या है, और जो आलोचक हैं आपके बुद्धिजीवी हैं उनको भी पता है कि सदृश्य जो अभी है वो अदृश्य था कभी। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप नए नए प्रयोग से जुड़ते रहें और आप हमें बुलाते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम बुलाते रहें। फिलहाल इसमें जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन24 न्यूज़। नमस्कार।